नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर आज आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है और कस्तूरबा गांधी मार्ग जहां बीबीसी का दफ्तर है वहां सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर ये टीम काफी देर से वहीं डटी हुई है और बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए आयकर विभाग की टीम आई है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया आयकर विभाग की तरफ से। ये बताया गया कि आयकर विभाग के कर्मचारी दोनों ही दफ्तरों में कागजों की तलाशी ले रहे हैं और इसके अलावा सुबह 11:20 पर दिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग वाले ऑफिस में ये टीम पहुंची। सभी कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप इस दौरान जब्त कर लिए गए। आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा है। आयकर विभाग का सर्वे खत्म होने तक बीबीसी का दफ्तर सील रहेगा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कराधान यानी टैक्सेशन और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर यह सर्वे किया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करूंगी। कौन गेट खुलवा रहे हो आप? से 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सीट हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब अंदर से हम लोग। आराम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करूंगी। कौन गेट खुलवा रहे हो आप? से 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सीट हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब अंदर से हम लोग। आराम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करूंगी। कौन गेट खुलवा रहे हो आप? से 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सीट हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब अंदर से हम लोग। आराम से। तो बीबीसी के दफ्तर में जब आयकर विभाग की टीम पहुंची ये तब की तस्वीरें हैं। बीबीसी ने ट्वीट करके इस मामले में अपनी बात कही है, कहा कि फिलहाल दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्थिति का समाधान हो जाएगा। तो बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर के सर्वे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार की आलोचना इस मामले में विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, कहा कि बीबीसी के दफ्तर पर आयकर छापे में हताशा झलकती है और ये नजर आता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरी हुई है। हम इन डराने वाले उपायों की सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। यह अलोकतांत्रिक और तानाशाह रुख लंबे समय तक नहीं चल सकता। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर इस मामले में अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है, लेकिन आयकर विभाग लगातार कह रहा है कि ये छापा नहीं है, महज एक सर्वे है। आयकर विभाग का जो स्पष्टीकरण सूत्रों के हवाले से हमें मिला है उसके मुताबिक ये छापा या तलाशी नहीं है, बस एक सर्वे है यानी सर्वेक्षण है और ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा, मुनाफे के अहम हिस्से को जानबूझकर डाइवर्ट किया। तो ये चीजें जो हैं ये बीबीसी की तरफ से कही गई हैं। सरकार की आलोचना विपक्ष कर रहा है, बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनते हैं। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं। और सवाल आज ये भी कहा जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी
वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है। किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल, जो भी देश विरोधी ताकत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि आप संयम नहीं बरत सकते? और आयकर विभाग ने जो इस मसले पर स्पष्टीकरण सूत्रों के हवाले से दिया, आपको एक बार फिर बता दें, उसमें कहा गया है कि ये छापा या तलाशी नहीं है, बस एक सर्वे है। ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। ये भी कहा गया कि बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा, मुनाफे के अहम हिस्सों को जानबूझकर डाइवर्ट किया। तो ये अभी है, लेकिन आधिकारिक जो बयान है आयकर विभाग का, उसका अभी इंतजार है। इस बीच इस मसले पर विपक्ष भी सरकार पर की आलोचना कर रहा है, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस सर्वे को चिंताजनक बताया है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर आईटी सर्वे चिंता की बात है। बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद ये सर्वे किए गए। सरकार ने इन पर पूर्वाग्रह होने का इन पर जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया था इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज पर। और ये कहा है एडिटर्स गिल्ड ने कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का सर्वे किया गया। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार का सर्वे किया गया। न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय ने भी छापे डाले। ये संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है, ऐसी जांच में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के अधिकारों पर चोट ना हो। सरकारी एजेंसियां तय दायरों के मुताबिक काम करें। तो एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे दो सहयोगी। दिल्ली से हमारे साथ हैं सौरभ शुक्ला और मुंबई से मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। सौरभ, 6 घंटे हो चुके हैं आईटी की टीम को, इनकम टैक्स की टीम को बीबीसी के दफ्तर में, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है और जो अंदर अधिकार कर्मचारी हैं या पत्रकार हैं उनको क्या घर जाने दिया जाएगा तय समय पर या उन्हें भी लंबा रोके रखा जाएगा? देखिए, जो अभी ताज़ा जानकारी आई है सुशील, कुछ मिनट पहले ही जो हमारे कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ जो बीबीसी के कर्मचारी हैं जिनके डेस्कटॉप, ध्यान से सुनिए, जिनके डेस्कटॉप जांच लिए गए हैं उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है। जिनके डेस्कटॉप अभी नहीं जांचे गए हैं उनको वहीं बैठाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर कि कुछ बीबीसी के कर्मचारियों को जिन्हें सुबह दफ्तर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी उनके डेस्कटॉप जांचने के बाद उन्हें जाने दिया गया है, लेकिन जिनके डेस्कटॉप नहीं जांचे गए हैं उनको वहीं रोका गया है। जैसे जैसे डेस्कटॉप उनके जांचे जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। हमें यह भी पता चला है कि जिन पत्रकारों के डेस्कटॉप वो जांच रहे हैं उसमें वो टैक्स जहां लिखते हैं सर्च, जहां सर्च बटन होता है वहां टैक्स लिख करके वो सर्च कर रहे हैं सिस्टम में, ये भी सर्च किया गया है। तो फिलहाल कुछ बीबीसी के कर्मचारियों को जाने दिया गया है, कुछ कर्मचारी अभी भी अंदर हैं, कुछ जो बड़े अधिकारी हैं बीबीसी के, बड़े जो संपादक स्तर के लोग हैं वो अंदर हैं और अभी उनकी जांच चल रही है। देखिए सुशील, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनकम टैक्स ये कह रहा है कि वो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के जांच कर रहा है, तो फिर जो पत्रकार हैं जो स्टोरी खबर लिखते हैं या खबर रिपोर्ट करते हैं तो उनके सिस्टम या उनके लैपटॉप क्यों जांचे जा रहे हैं? वो एक बहुत बड़ी चीज है कि आप एक पत्रकार का सिस्टम जिसका किसी वित्तीय लेन देन से, किसी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आप उसका इनकम टैक्स, उसका डेस्कटॉप कैसे जांच सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब दूसरी बात यह है कि आपकी जांच की दिशा और दशा जो भी हो, जिस तरीके से इनकम टैक्स कहना है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया बीबीसी ने, जो प्रॉफिट है उसका ट्रांसफर किया गैर कानूनी तरीके से, तो वो जो है वो गलत किया है बीबीसी ने, लेकिन आप उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को जांचिए, आप उनके अकाउंट डिपार्टमेंट को जांचिए, लेकिन आप पत्रकारों के डेस्कटॉप क्यों चेक करें, एक सवाल है। यही वजह है कि जो विपक्ष है वो इनकम टैक्स पर काफी हमलावर है। इनकम टैक्स कह रहा है कि ये रूटीन में किया जाता है। अब रूटीन में तो किया जाता है, पर रूटीन में क्या आप पत्रकारों के जो खबर लिखते हैं या खबर चलाते हैं उनके डेस्कटॉप भी चेक करते हैं? सुशील, आप ही अगर आपके दफ्तर में आकर के इनकम टैक्स की टीम
आपके डेस्कटॉप पे चेक कर, इसमें आप तमाम वर्ग की खबरें लिखती हैं, कुछ सरकार के खिलाफ भी हो सकती हैं, कुछ इनकम टैक्स के खिलाफ भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हो सकती हैं, उसको जांचा जाए तो क्या वो उचित होगा, क्या वो न्यायोचित होगा। तो यही तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इनकम टैक्स का ये सर्वे जारी है और इनकम टैक्स इसे रूटीन कह रहा है कि कुछ उल्लंघन किया है। बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर काम कर रहा है उसे यहाँ का कानून मानना होगा, जो कानून के उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये तमाम बयानबाजी जारी है और ये सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, जो लगातार हम और आप बात भी कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों पर है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उस पर हंगामा मचा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका गई हो, हिंदू सेना ने ये मांग कर दी हो कि बीबीसी को इंडिया से बैन कर देना चाहिए, और उसके बाद जब इनकम टैक्स के सर्वे हो रहा है इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसको जोर शोर से उठा रहा है और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लंघन, उसका वायलेशन बता रहा है। सुशील जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी हैं। सुनील, ये एक बड़ा मसला है कि बोलने की आज़ादी पर ये एक पाबंदी की तरह तो नहीं है? इस वक्त मुंबई के दफ्तर में क्या गतिविधियां हैं? आयकर विभाग की टीम वहां अब भी मौजूद है और वहां भी लगभग 6 घंटे गुजर चुके हैं। बिल्कुल सुशील जी, आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी जो बीबीसी का जो दफ्तर है, बीबीसी स्टूडियो, इस इमारत की 5वीं मंजिल पर वो उसमें मौजूद हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण का काम जारी है, चल रहा है। जैसा कि सौरव ने बताया कि दिल्ली में कुछ लोगों को बाहर जाने दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुंबई में इस तरह की कोई सूचना नहीं है। क्या किसी को दफ्तर से बाहर यहाँ निकलने दिया गया है या नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि हम यहाँ पर ही हैं, एग्जिट गेट पर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बीबीसी का कर्मचारी या एम्प्लॉय यहाँ पर अभी तक नहीं आया है या जिससे कि हम बात कर सके या कुछ पुष्टि कर सके, न तो इस तरह की कोई जानकारी अधिकृत तौर पर अभी तक दी भी गई है। तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि अभी भी अंदर सर्वेक्षण जारी है, जो आयकर के अधिकारी हैं अंदर ही हैं और जो भी उनके लैपटॉप हैं, जो भी डाटा है, डाटा डंप का जो काम चल रहा है वो कहीं कहीं वो चल रहा है। उम्मीद सिर्फ यही है, क्योंकि ये सर्वेक्षण है तो सर्वेक्षण ऑफिस के समय जो तय समय होता है उस समय के तहत ही सर्वेक्षण किया जाता है। तो क्योंकि दफ्तर बंद करने का जब समय होगा तब शायद सर्वेक्षण बंद होगा, तो आयकर के अधिकारी यहाँ से निकलेंगे या कर्मचारी निकलेंगे, तब शायद फिर बात हो पाएगी तो और जानकारियाँ मिल पाएगी कि जिस तरह से दिल्ली में हुआ, जब अधिकारी अंदर जा रहे थे तब उनको अंदर प्रवेश देने के समय जो भी वहाँ कारसुनी हुई है, इस तरह का कुछ यहाँ पर भी कुछ बातें हुई, वारंट पूछा गया नहीं पूछा गया, बाकी जो बातें हैं वो देखा उसकी जाँच की है, वो शायद आगे हमें पता चल पाएगा। बहरहाल चूंकि बीबीसी ने खुद ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वो जाँच में सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की कुछ बातें अभी तक इस तरह की नहीं आई। हाँ, बाहर जरूर जिस इमारत के बाहर हम देखें तो थोड़ी जरूर हलचल है इस खबर को लेकर, जानकारी को लेकर, जिज्ञासा बस बहुत से लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी मीडिया क्यों है, और जिसको भी जानकारी मिल पा रही है कि बीबीसी का अंदर दफ्तर है वहाँ पर तला सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा रुक जा रहे हैं कुछ लोग। और अभी चूंकि ये ज़्यादा भी वक्त इसलिए जो हो रहा है कि ऑफिस छुटने का वक्त हो गया है, तो अब जो अंदर कर्मचारी हैं दूसरे अलग अलग कंपनियों के वो अब बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन बीबीसी के दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है ये कोई बता नहीं पा रहा है या बहुत लोगों को उस बात की फिलहाल जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो वित्तीय अनियमितता का जो आरोप लगा है उसके तहत जांच की जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे कल्याण के सिंगर स्वदेश मालवीय ने जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की, उनसे सवाल पूछा था, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि समय समय पर आईटी विभाग जो है इस तरह का सर्वेक्षण करते रहता है कंपनियों में, सर्वेक्षण के दौरान जो बातें उभर कर आती हैं, जो जानकारी मिलती है उसमें अगर कुछ वाकई में अनियमितता पाएगी या कुछ गलत पाया तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाती है, और कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसा उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है। तो ये अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हाँ, अगर हम जो आयकर विभाग के सूत्रों से जो स्टेटमेंट मिला है उससे जो जानकारी मिल रही है उससे साफ है कि बीबीसी के ऊपर इस तरह का आरोप है कि वित्तीय अनियमितता बहुत पहले से करते आ रहे थे, जो ट्रांसफर प्राइसिंग की बात थी और साथ ही प्रॉफिट डाइवर्जन की जो बात है, यानी कुल मिलाकर मामला जो है कर छिपाने का बनता है कहीं ना कहीं, और उसके तहत ही इस पूरे मामले की का सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसके से जुड़ा कुछ सबूत मिल पाए ताकि आगे जाकर फिर और मामला कानूनी बना पाए और फिर कुछ एक्शन ले। फिलहाल यह है कि ये इसमें सर्वेक्षण हो रहा है, ये जरूर है कि जो वक्त चुना गया है उस वक्त के हिसाब से साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की जो कार्रवाई है वो एक तरह से बीबीसी की आवाज़ दबाने की कोशिश है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली उसको लेकर आरोप लगा कि उसमें जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मलिन की गई है, उसी लिए उस पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन उसको देखने ना देखने पर हंगामा भी काफ़ी कुछ हुआ है, तो उसको लेकर जोड़ा जा रहा है। इसीलिए जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये एक अलोकतांत्रिक काम है,
ये असंवैधानिक काम हो रहा है और एक तरह से ये अघोषित आपातकाल है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा है। जो भी शिवसेना के यहाँ के नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी इसे असंवैधानिक करार दिया है और ये कहा है कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। एक तरह से ये अगर हम एडिटर्स गिल्ड की बात करें और बाकी मीडिया जो संस्था जो संगठन उनसे बात करें, तो एक तरह से ये मीडिया की आजादी का भी हनन है। इस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही है, लेकिन सरकार का अभी तक यही कहना है कि ये सर्वेक्षण है, इसके बाद जो निकल कर आएगा उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। और बीबीसी को पहले भी इस तरह की बहुत नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया या फिर वो इस तरह की अनियमितता बरतते रहे, इसीलिए अब सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जी, और सौरभ, ये जो आईटी के स्पष्टीकरण में कहा गया आयकर विभाग के कि छापा या तलाशी नहीं, बस सर्वे है और रूटीन होता है, बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, ये ट्रांसफर प्राइसिंग कायदे क्या हैं, इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या है ये चीज? सुनील जी, आपको क्या इस तरह की जानकारी मिली कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, ये आयकर विभाग ने कहा है कि इसका मतलब क्या है? देखिए, दो बातें जो इनकम टैक्स के जो सूत्रों से जो मिला है उसमें, एक ट्रांसफर प्राइसिंग है, एक है प्रॉफिट डाइवर्जन। तो इस बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये जानकारी ये मिल रही है कि अलग टैक्स रिजीम में सिस्टम कंसर्न अगर कंपनियां हैं, मान लीजिए हमारा हिंदुस्तान का टैक्स रिजीम एक है और दूसरे किसी देश का है, वहाँ का टैक्स रिजीम के मिले, लेकिन वहाँ पे बीबीसी की कंपनी है, तो जहाँ पर टैक्स ज़्यादा है वहाँ पर खर्चा ज़्यादा दिखाकर, जहाँ पर टैक्स कम है वहाँ पर फंड को डाइवर्ट करना, ताकि वहाँ पे उनका इनकम टैक्स वहाँ पर कम पड़े। ये एक मोटा मोटी जो बात समझ में आई है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है कि आयकर जो है बचाने की छिपाने की एक जो आरोप है उसी के तहत ये दोनों टर्म का इस्तेमाल किया गया है और उसी के तहत ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो जो पत्रकार हैं वहाँ मौजूद, उनकी ड्यूटी कईयों की ख़त्म भी हो गई होगी, कई देर रात तक भी रुकते हैं क्योंकि प्रोग्राम देर रात तक चलते हैं, तो क्या सौरभ, ये जो कार्यालय है बीबीसी का, यहाँ देर रात तक भी रुकते हैं बीबीसी में, पत्रकारों की ड्यूटी देर रात तक भी होती है, तो क्या आपको लगता है कि आज सबको जाने दिया जाएगा या देर रात तक रोका जा सकता है और भी? देखिए, जो जानकारी मिली है सुशील, जो हमने साझा भी करी है, कि जिनके डेस्कटॉप जांच लिए गए हैं, क्योंकि तमाम सर्विसेज हैं, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, तमाम सर्विसेज के लोग यहां पर होते हैं, बीबीसी मराठी, इन सबके लोग होते हैं, सबका एक एक सिस्टम असाइंड है जो हमें पता चला है, उन सबके सिस्टम जाँच रहे हैं आयकर विभाग के लोग। जो लोग आज नहीं आए दफ्तर, तो उनका सिस्टम जाहिर सी बात है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो नहीं खोला जा सके, तो उसमें उन्होंने टैग भी लगाया है नॉट सर्ज, मतलब नॉट वेटेड टाइप, एक स्टिकर भी लगाया है। तो हो सकता है कि ये सर्वे कल भी जारी रहे, जिन कर्मचारियों के सिस्टम नहीं जांचे हैं वो भी जांचे जाएं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिनके सिस्टम जांच लिए गए हैं उनको जाने दिया गया है। कुछ सिस्टम्स पर उन्होंने काम करने के लिए की भी इजाज़त दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जाहिर सी बात है। कुछ वीडियोज़ भी अभी ट्विटर पे और यूट्यूब पे अपलोड किए हैं बीबीसी की तरफ से, तो वो कुछ काम भी करने दे रहे हैं। जिनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, जो जाना चाहते हैं, उनके सिस्टम जाँच लिए गए हैं, उनको भी जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है, और एक अलग जो जाँच है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चल रही है। जो डेटा है सारा, जो ट्रांजेक्शन का डेटा है, जो बैलेंस शीट्स हैं, कहाँ कहाँ फंड ट्रांसफ़र किया है बीबीसी ने, उसको लेकर के जांच चल रही है। और जाहिर सी बात है, जो बीबीसी को लेकर इनकम टैक्स का ये कहना है कि उन्होंने ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया है, प्रॉफिट अपना गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किया है, इन तमाम चीज़ों की कागजातों की जांच हो रही है। जैसा कि सुनील भी बता रहे थे कि अब जाहिर सी बात है कि अब तो कागज़ नहीं होते हैं, सारा डेटा सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप में होता है, तो उसको ट्रांसफ़र करिए इनकम टैक्स, उससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बीबीसी के जो उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और जो कर्मचारी हैं, जो पत्रकार हैं, जिनके सिस्टम को जांच लिया गया है उनको जाने दिया गया है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो डेस्कटॉप है उसमें जो सर्च का ऑप्शन आता है, उन सब उस ऑप्शन में जा करके वो टैक्स लिख रहे हैं, TAX, और सर्च कर रहे हैं। तो उनको कुछ हो सकता है कि आशंका हो कि किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टैक्स संबंधित, डेस्कटॉप में टैक्स संबंधित कोई दस्तावेज हो, उसको लेकर के हो सकता है ये कर रहे हो। लेकिन पत्रकारों का सिस्टम खोलना, उसको जांचना, इसको लेकर के जरूर सवाल उठेंगे, प्रेस की अभिव्यक्ति को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। तो फिलहाल बीबीसी का ये सर्वे लगभग 6 घंटे बाद भी मुसलसल जारी है। जी, शुक्रिया सौरभ और सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो
ये जो बीबीसी के दफ्तर में आयकर का सर्वे है, 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी चल रहा है, कितनी देर चलेगा मालूम नहीं। और तब तक जो कर्मचारी हैं उनको अंदर ही रखा गया, हालांकि जिनके लैपटॉप और फ़ोन जो है उनकी जांच हो गई उन्हें जाने दिया जाएगा। हो सकता है देर रात तक ये सर्वे चलता रहे और कल भी जारी रहे, लेकिन अभी इस पर आयकर विभाग की तरफ से औपचारिक कोई बयान अभी नहीं आया है। वक्त एक ब्रेक का। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 12 राज्यों में नए राज्यपाल और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की थी, नए उपराज्यपाल की। इनमें एक राजस्थान के कद्दावर नेता भी हैं, गुलाब चंद कटारिया, जिन्हें विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सक्रिय राजनीति से विदा कर दिया गया और उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया। क्या गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के इस फैसले से खुश हैं? हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने उनसे बात की। असम का गवर्नर चुना गया है गुलाब चंद कटारिया जी को। बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है, 8 बार MLA रहे हैं, 1 बार MP लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सर बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं, हर बार सरकार जब बनती है मिनिस्टर रहना, MLA रहना, मेवाड़ और वागड़ में काफ़ी पहचान है आपकी। अब आप गवर्नर बन के जाएंगे तो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने से क्या लग रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी मैंने उसको निभाने का प्रयत्न किया। अब उन्होंने एक संवैधानिक जिम्मेदारी दी, मैं इसको भी निभाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और मैं अपने संस्कारों को जिंदा रखता हुआ ईमानदारी से और बहुत समर्पण भाव से देश हित में जो भी काम होगा उसको मैं करूंगा। तो एक बात है कि अब मेवाड़ और वागड़ के पॉलिटिक्स में आपका एक तरह से बोलबाला छाप रही है, तो एक वैक्यूम, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपके एक तरह से एग्जिट से। देखो, एक बात जरूर है, किसी व्यक्ति के जाने से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नेता बेस्ड पार्टी नहीं है, जो एक ही व्यक्ति पे डिपेंड हो जाती है और इसके कारण से उसकी जगह भरने वाले 1 नहीं 5 मेरे जैसे बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो भी पब्लिक में अपने आप को खड़ा कर देंगे। मुझे बार बार मौका मिला तो मैंने अपने आप को खड़ा किया, उनको भी जब मौका मिलेगा तो वो अपनी योग्यता के आधार पर, हम देश के लिए काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए काम नहीं करते हैं, तो जो आदमी सही सोचेगा वो जहाँ भी खड़ा रहेगा वहाँ अपनी जगह बना लेगा। तो लास्ट सवाल ये है कि क्योंकि आप नियम से इतने अच्छे से वाकिफ हैं, तो क्या होता है जैसे अभी हाउस सेशन में है, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अगर आप अभी जैसे आपको गवर्नर, आपको 22 तारीख को जाना है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? पार्टी न्यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन करती है या जो डेप्यूटी लीडर है वो एक्टिंग करते हैं, क्या हो सकता है? कोई निर्णय तो हमारी पार्टी सामूहिक करती है, कोई मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ इसलिए उत्तराधिकारी घोषित करूं वो तो मेरे को अधिकार नहीं है। लेकिन नियम में क्या होता है? नियम में सामान्य तो ऐसी कोई नहीं, पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी किसी की भी प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजती है और सारे विधायकों से, यहाँ की पार्टी के प्रमुख लोगों से बातचीत करने के बाद कोई निर्णय करती है। आपको कहीं लगता है असम बहुत दूर है राजस्थान से? अपने कोई दूर का मानते नहीं है, पार्टी जहाँ भी भेजती है वहाँ हमको रहना है और पार्टी का काम करना है। और वैसे भी मैं तो कई बार विधायक रहते हुए कमेटी के माध्यम से भी गया हूँ पार्टी के कार्यक्रम से, तो एक तरह से मारवाड़ियों से तो भरा हुआ है पूरा का पूरा ही गुवाहाटी तो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई गुलाब चंद कटारिया जो अब असम के गवर्नर मनोनीत हुए हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बीच अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आज 5वें दिन भी जारी रही। DDA कार्रवाई कर रहा है, कल कोर्ट से 15 मकान मालिकों को कार्रवाई के खिलाफ स्टे मिला था। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक मेहरौली में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विकास सदन में DDA के अधिकारी और फ्लैट मालिक कल दोपहर 3:30 बजे आपस में बैठक करें। बैठक में फ्लैट के मालिक DDA अधिकारियों को फ्लैट के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज दिखाएंगे, DDA अधिकारी उन पर फैसला लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी। तो ये एक आदेश मिला है, लेकिन इससे क्या स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिली है और आज क्या कार्रवाई हुई, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हैं।
मुकेश, आज ये फैसला हाईकोर्ट का आया है तो क्या इसके बाद कार्रवाई वहां रुक गई? देखिए, जो हाईकोर्ट का फैसला है वो अभी जो डीडीए के अधिकारी हैं या दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में अभी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कल से जो डीडीए का बुलडोजर है वो नहीं चलेगा मेहरौली में। और डीडीए ने कहा है कि 16 फरवरी तक, हाईकोर्ट ने कहा है कि डीडीए 16 फरवरी तक मेहरौली में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो ना करे। 16 फरवरी को हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ये भी हाईकोर्ट ने कहा है कि जी जो मकान मालिक हैं वो अपने दस्तावेज लेकर जो डीडीए के अधिकारी ही उनके पास जाएं और डीडीए के अधिकारी उनके दस्तावेजों की जांच करें, अगर दस्तावेज सही हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनको अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से पिछले 5 दिनों से डीडीए कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अब तक मेहरौली के अलग अलग इलाकों में कई दुकानें और मकान तोड़ दिए गए हैं। ये सब वो मकान और दुकानें वहाँ पर बनी थी जहाँ पर ASI का पार्क है और ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन डीडीए की है। इसीलिए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी जिनमें इलाके के लोगों के अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी याचिकाएं लगाई थी और उसी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब ये कहा है कि 16 फरवरी तक डीडीए मेहरौली में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। 16 फरवरी को जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद तय होगा कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। जी, इस बीच आज जो लोग हैं वो क्या दलील दे रहे हैं? आज भी ये कार्रवाई जारी रही, कितने घर आज तोड़े गए और कुछ 15 मकान जो हैं उनके मालिक स्टे लेकर कल आए थे, तो क्या आज उन पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, आज भी उसी इलाके में जहां पर कल कार्रवाई हो रही थी उसी इलाके में आज भी कई दुकानें और मकानों को तोड़ा गया है। और जिस तरह से लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनके मकान 50 साल पुराने हैं, मकानों की रजिस्ट्री हो रखी है, पानी और बिजली का बिल वो जमा कर रहे हैं और तमाम जो डीडीए के अधिकारी हैं उनके पास उनके दस्तावेज पहले से हैं, उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। जिससे कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको दुकान से या मकान से सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। तो इस तरह से डीडीए की कार्रवाई को लेकर काफ़ी गुस्सा है लोगों में। लेकिन अब ये राहत भरी खबर आई है कि 16 फरवरी तक जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेहरौली में कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है। तो अब देखना होगा कि आगे हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ होता है, क्या लोगों को राहत मिल पाती है आगे के लिए या फिर ये कार्रवाई चलती रहेगी। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर, यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR में SDM लेखपाल, स्टेशन ऑफिसर जो बुलडोजर कार्रवाई कर रहा था उसका ड्राइवर समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हत्या की कोशिश जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इसके बाद SDM और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया, जो बुलडोजर का चालक है उसे गिरफ्तार कर दिया गया। मामला कानपुर देहात का है जहां प्रशासन एक मंदिर को गिराने पहुंचा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी दौरान उनकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया जिसमें जलकर मां और बेटी की मौत हो गई। दोनों को बचाने की कोशिश में परिवार का मुखिया भी गंभीर रूप से घायल हुआ। परिवार का कहना है कि कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से रंजिशन आग लगाकर 2 लोगों की हत्या की गई। कानपुर जोन के कमिश्नर का कहना है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरी मांगे यही है कि डिप्टी CM या CM आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। जब तक CM या डिप्टी CM यहाँ नहीं आते हैं तब तक यहाँ से शव नहीं उठाया जाए। उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ। प्री प्लान मर्डर है यहाँ पे, मतलब प्लान करके मर्डर किया गया, आग लगा के मतलब जलाया गया है यहाँ। उसमें हम और अपने पिताजी ये 2 लोग बाहर निकल आए हैं, तो पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हैं, मुझे भी आई हैं, मुझे हल्की फुल्की आई हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा आई हैं। जिलाधिकारी मौके पर नहीं आए, जिला अधिकारी तो देखने भी नहीं आई यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ, क्या कारण लग रहा है आपको? वो खुद इस षड्यंत्र में साजिश में शामिल हैं इसलिए वो यहाँ नहीं आई। हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों।
झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है, हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया। जांच कमेटी भी बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। परिवार के तहरीर पर मुकदमा दायर कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है, और जो भी इसमें दोषी है तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे प्रोसेस हो जाएगा तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेखपाल है, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे जो विधिक कार्रवाई होनी है वो होगी नियमानुसार। उसी तरह से SDM को भी जो है नेग्लिजेंसी में जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया शासन द्वारा, और उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई आगे होनी है। पर जिन्होंने जो तहरीर दी है उस तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है और SP साहब और IG साहब के पर्यवेक्षण में टीम जो है लगातार आगे की कार्रवाई उसमें कर रही है। बाकी जितनी भी यहाँ एविडेंस है, जो यहाँ चश्मदीद गवाह हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कुछ आप लोगों के माध्यम से भी मिला है, उस सभी का एक परिशीलन करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बातचीत चल रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी बात मान जाएगी। गिरफ्तारी अभी उस दिशा में काम चल रहा है, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, वो जो यहाँ पर उस समय JCB चला रहे थे वो व्यक्ति है। 18 साल की उम्र सपने देखने की उम्र होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि IIT जैसे संस्थान में पढ़ने वाले एक छात्र ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। ये बॉम्बे IIT का मामला है। ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश की RK वैली IIT में भी हुआ है। बॉम्बे IIT में खुदकुशी करने वाला छात्र अनुसूचित जाति जनजाति से आता था, दर्शन सोलंकी उसका नाम था, अहमदाबाद का रहने वाला था, और उसने 3 महीने पहले ही IIT मुंबई के पवई कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग में BTech कोर्स में दाखिला लिया था। इस पूरे मसले पर IIT बॉम्बे का बयान आया है और ये कहा गया है कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र की मौत की वजह भेदभाव है। हम इस बात का मजबूती से खंडन करते हैं, इसे सांस्थानिक हत्या बताना सही नहीं है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है क्योंकि कई जगहों पर कहा गया कि ये छात्र इसके साथ भेदभाव हुआ, तो इसका जो है खंडन किया है IIT बॉम्बे ने और कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, अभी तक किसी भेदभाव का इशारा नहीं मिला है, दोस्तों से मिली सूचनाओं में भी कोई भेदभाव की बात नहीं दिखी, संस्थान को पूरी तरह समन्वयवादी बनाने को लेकर पूरा एहतियात बरता जाता है, फैकल्टी द्वारा किसी भेदभाव को लेकर शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस है, दाखिले के बाद किसी छात्र की जाति उजागर नहीं की जाती, छात्रों को संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश होती है। IIT बॉम्बे का अपना SC ST सेल है, वहां कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, बीते वर्षों में ना के बराबर शिकायतें दर्ज हुई हैं, एक मामले में ठोस शिकायत हुई थी जिस पर कार्रवाई हुई। ये IIT बॉम्बे ने अपनी तरफ से इस पूरे मसले पर स्पष्टीकरण दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया है और इसमें कई सवालों के जवाब दिए हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले पर भी, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। दावा किया कि त्रिपुरा में BJP इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। इसके अलावा गृहमंत्री ने 2023 में राज्यों में चुनाव, PFI पर पाबंदी, संसद में गतिरोध, अडानी का मुद्दा, आंतरिक सुरक्षा, 2024 के लोकसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे BBC का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि ये कोई देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कंस्पिरेसी कर लो कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। कांग्रेस जो है अब आप पर, आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र BJP के जो मित्र हैं अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और BJP जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है,
देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत। देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं और ढेर सारी सिद्धियां, तो ये परिवर्तन जो है मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है।